नमस्कार, मैं राम निवास कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट ब्लॉक यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं लुसेल QNB मेट्रो स्टेशन के अंदर हूं और जस्ट यहां से अब एग्जिट द्वार शुरू होने वाला है। ऐसा नहीं कि मेट्रो स्टेशन नज़दीक नहीं हूं जहां पर मेट्रो है, काफ़ी बाहर में निकल चुका हूं और यहां से जस्ट जैसे मैं बाहर निकलूँगा कतर का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर आकर्षक स्टेडियम जो कि इसी साल नवंबर में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में, तो और उसका मैच, सबसे ज़्यादा मैच इसी स्टेडियम में खेला जाएगा और साथ ही साथ फाइनल मैच इसी स्टेडियम में होने वाला है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो चलिए, हम कुछ करीब आ चुका हूँ स्टेडियम का और इधर से तो देख रहा हूँ बाउंड्री है, फिर भी मैं चारों ओर इसका घूमता हूँ और जितना हो सके मैं इसका नज़ारे को दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा लाइट को बढ़ाता हूँ, पता नहीं है सामने में सूरज का रोशनी आ रहा है इधर से तो चमक रहा है। और इधर स्टेडियम के बगल का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे शानदार आकर्षक वाला, यहाँ पे 3-4 बिल्डिंग बन रहे हैं। जब ये बन के तैयार होगा तो इसका एक अलग ही आकर्षक रूप देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट में डिज़ाइन हो रहा है। इधर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और ये अगर जो कतर में है तो यहाँ पर देख लीजिए लुसेल QNB मेट्रो स्टेशन यहीं बगल में है, बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है लुसेल स्टेडियम से। और कतर देश का जो फाइनल फुटबॉल मैच होने वाला है इसी में होगा, सेमीफाइनल का एक मैच भी इसी में होने वाला है और फाइनल इसी में होगा। और सबसे ज़्यादा बड़ा दर्शक के बैठने की जो संख्या है देखने का, 80,000 दर्शकों का ये इसका कैपेसिटी है इस स्टेडियम का। चलिए मैं चारों ओर से घूम घूम कर इसका नज़ारे को दिखाता हूँ स्टेडियम का। मैं स्टेडियम का नज़दीक आ चुका हूँ, ये देखिए स्टेडियम है और यहाँ पे कुछ वर्कर लोग का भी काम भी चल रहा है, काफ़ी बेहतरीन। और इधर मैं कैमरे को घुमाकर दिखा रहा हूँ स्टेडियम के आजू बाजू का नज़ारे, यहाँ पे देखिए 4 बिल्डिंग, बहुत ही शानदार आर्किटेक्ट वाला बिल्डिंग यहाँ पे तैयार हो रहा है, बहुत ही शानदार ये बिल्डिंग है। जब बन के तैयार होगा तो इसका रंगत देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन, एक ही डिज़ाइन का यहाँ पे बिल्डिंग बन रहे हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए। और इधर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है क्योंकि कतर के बाहरी इलाका है। और यहाँ पे नज़दीक में देखिए, अगर आना चाहते हैं कोई कतर में अगर हैं तो यहाँ पे QNB लुसेल QNB मेट्रो स्टेशन जस्ट यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही है। अभी मैं यहीं से इसी मेट्रो स्टेशन से आया हूँ, है ना, और यहाँ से आप आराम से आ सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, कतर का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार स्टेडियम का नज़ारे देख सकते हैं यहाँ से। तो ये अब इसके अंदर तो जाने का अलाव नहीं है, फिर भी मैं चारों ओर घूम के कोशिश करता हूँ, देखता हूँ किधर से नज़दीक जा सकूँ। चलिए और करीब आया हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। इधर कुछ वर्कर लोग हैं और अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ बाहरी काम चल रहा है। चलता हूँ और देखता हूँ नज़दीक कितना जा सकता हूँ, ऊपर में और अलाव है जाने का कि नहीं। ब्रदर, हेलो ब्रदर, ऊपर जा सकते हैं? हाँ हाँ, ऊपर में। अच्छा चलिए, उधर जाने का, ऊपर में यहाँ पे सीढ़ियाँ कुछ दिख रही है, चलता हूँ। यहाँ देखिए वर्कर लोग का काम भी चल रहा है यहाँ। एक मिनट, कुछ बोल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे वर्कर लोग का सारा फ़ोटो लगाया गया है, यानी जो जो इस स्टेडियम बनाने में जो कंपनी वाले काम किए हैं उस सारे कंपनी के वर्कर का, स्टाफ का, इंजीनियर का, फोरमैन का, सारे लोग का यहाँ पे फ़ोटो लगाया गया है। कतर गवर्नमेंट का बहुत ही शानदार रूल है, वर्कर लोग का यहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान मिलता है और यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटी बहुत दिया जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई आए यहाँ पर गल्फ कंट्री में काम करने के लिए तो सबसे पहले कतर को ही सिलेक्ट करें। और ये देखिए यहाँ से नज़दीक से दिखा रहा हूँ स्टेडियम का बनावट और ये यहाँ पे वर्कर का है। चलिए और दूसरे साइड से भी घूमता हूँ और चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो हमारे नेपाल के गार्ड हैं तो थोड़ा एक मिनट के लिए मैं परमिशन लिया कि ऊपर आता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक से चलिए एक मिनट के लिए मैं नज़दीक से इसको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ बनावट। मैं बोला हूँ एक दो मिनट के लिए आता हूँ, लगे परमिशन ज़्यादा नहीं है।
अच्छा चलिए दूसरा स्टेयर केस से थोड़ा चढ़ के एक मिनट के लिए नज़दीक लेता हूँ। हाँ तो ये बोले कि चलिए मैं यहाँ हूँ तो मेरे साथ यहाँ पे मत आ जाओ, कैमरा भी यहाँ लगा हुआ है तो ठीक है। अपना नेपाल के ये सिक्योरिटी है और सारे लोग अब इंडियन नेपाली वर्कर होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं। चलिए इतना हेल्प मिल गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मैं दूसरे स्टेयर केस से चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस तरह से अलाउ नहीं है, काफ़ी सिक्योरिटी हाई है लेकिन फिर भी उतना ये नहीं है, उतना जब हाई रहता था इधर बोलता ही नहीं। ओ हो 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 ये देखो यहाँ पे अफ्रीका वाला है, तो ये मुश्किल करके, अपना इंडिया वाला होते तो मुश्किल नहीं था, है ना। तो ये देखिए लुसेल स्टेडियम है, ये कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम, 80,000 बैठने वाला दर्शकों की संख्या है और अभी इसमें काम चल ही रहा है, देख रहे हैं ना। कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम है और ऐसे 8 स्टेडियम यहाँ बन के तैयार है कतर में, फीफा वर्ल्ड कप के लिए नवंबर में जो शुरू होने वाला मैच है ना उसके लिए, और उसमें से सबका अलग अलग रूप रंग तैयार किया गया है सबसे, लेकिन एक कुछ अलग ही टाइप का है, खास है उसमें से। जब इसका लाइट कभी कभी रात में ऑन होता है ना तो देखने लायक होगा उसका लाइट। अभी शाम का समय हो गया, सूर्य अस्त हो गए हैं, थोड़ा अंधेरा छा गया होगा। तो ये कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसमें सेमीफाइनल होगा, और सेमीफाइनल तो और भी होगा लेकिन फाइनल मैच इसी में होने वाला है। फाइनल से लेकर के कई क्वार्टर फाइनल और भी जो मैच होता है सबसे ज़्यादा मैच इसी स्टेडियम में होने वाला है और फाइनल मैच भी इसी स्टेडियम में होगा। कतर का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है लुसेल स्टेडियम, ये कतर का स्टेडियम है। अभी मात्र ऊपर का थोड़ा सा 1% लाइट ऑन हुआ है, तो ये हाल है इसका, सुंदरता देखिए रौनक। अब जब पूरा का पूरा इसका लाइट जब ऑन हो जाएगा ना तो फिर इसकी सुंदरता देखने लायक होता है, लगेगा कि ये सोने या डायमंड का बना हुआ है स्टेडियम, अपने आप में एक नमूना है। और ऐसा ऐसा 8 स्टेडियम सब अलग अलग डिज़ाइन में बन के तैयार है और सबका अलग अलग खासियत है, लेकिन ये सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाला और फाइनल मैच इसी में होने वाला है। तो चलिए वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और बताइए कमेंट में कि वीडियो हमारा कैसा लगा। कतर देश का सबसे बड़ा स्टेडियम लुसेल स्टेडियम जिसमें फाइनल मैच इसी स्टेडियम में होने वाला है, ये स्टेडियम का नज़ारा कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और दिखाइए कतर का फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच होने वाला है इसी स्टेडियम में होगा, सेमीफाइनल भी होगा और बहुत सारे और भी मैच होंगे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।